नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रोफेशनल रिपेयर चैनल। मैं आपका अपना दोस्त संजय। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों, ये हमारी 9KG की LG की टॉप लोडिंग डायरेक्ट ड्राइव वॉशिंग मशीन है। और अभी हम लोग इसको करके सब एक एक चीज़ को इंस्टॉलेशन के लिए सारी चीज़ों को लगा के फिट कर लेंगे। उसके बाद इसका हम लोग प्रॉपर तरीके से डेमोस्ट्रेशन करेंगे। तो अभी हम लोग इसके अंदर की जो सामान एसेसरीज है उसको निकाल के इसको वॉशिंग मशीन में जिधर के एरिए पे फिक्स होना है उसको हमें उधर फिक्स करके इसको इंस्टॉलेशन करने के बाद हमें इसका डेमोस्ट्रेशन करना है। तो ये जैसा इसका मोटर है प्लस ये सारी चीज़ें पाइप, ये सारी चीज़ों को कनेक्टिविटी को प्रॉपर तरीके से कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करने के बाद जो है अभी हम लोग इस वॉशिंग मशीन को चलाने वाले हैं। और चला फर्स्ट आपको यहाँ से पानी ऑन कर लेना है। पानी आपका ऑन हो गया। सेकेंड यहाँ से आपको स्विच ऑन कर लेना है, ठीक है। स्विच ऑन कर लेना है, डोर को आपको ओपन करना है और कपड़े आपको इसके अंदर डाल देने हैं। जैसे पूरा ड्रम जो है आपका 9 kg का है, तो इसमें आपको 100% में आपको 70% कपड़े डालने हैं, 30% आपका ये खाली रहेगा। खाली रहने आधे तक डालने, मतलब यहाँ तक आप भरना, ठीक है। यहाँ तक इसके नीचे भी तो डाल सकते हो। जी जी जी, कम है तो कम ही डाल सकते हैं, लेकिन इसको आपको 70% ही फुल करना है, 30% जो है खाली करके रखना है। कपड़े डालने के बाद आपको यहाँ पे आपको डिटर्जेंट डालना है। आप पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं और लिक्विड में भी डाल सकते हैं। लिक्विड में डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि पानी के साथ 100% मिक्स हो जाता है। पाउडर फॉर्म में रहेगा तो आपका कुछ ना कुछ थोड़े से बच भी जाते हैं। डालने के बाद आपको ये आपका शॉपनर का है। शॉपनर जैसे आप कपड़े के रिंस के लिए यूज करते हैं ना, कपड़े कम्फर्ट आता है, कम्फर्ट शॉपनर, वो सारी चीज़ आपको रिंस सेट के लिए आपको इधर डाल देना है। नहीं, इजी तो डिटर्जेंट में आ जाएगा। और रिंस के लिए आप कपड़े, लिक्विड नहीं, जब रिंस कपड़े को आपको खंगालने के लिए कंफर्ट यूज करते हैं, आपका उसके साथ ही आता है शॉपनर आता है, ये सारी चीज़ों को डालने के लिए इसमें डाल के शॉपनर ये आपका जेट स्प्रे है। जब भी आपका वॉशिंग मशीन चलेगा तो ये ऊपर से पानी फेस करेगा, जैसे कि कपड़े के अंदर कुछ गंदगी रहेगी तो मिक्स होकर पानी के साथ ही ड्रेन आउट हो जाएगी। कपड़े डालने के बाद आपको ये ऐसा छोड़ देना है, हाइड्रोलिक छोड़ देना है। जी जी, डाल के आप बंद कर दोगे तो यहाँ से पहले नॉर्मली जो पहले वाला था उसमें आपका लॉक नहीं होता, लेकिन इसमें आपका ये जब भी आप ऑन स्टार्ट करोगे तभी आपका लॉक हो जाएगा, ठीक है। आपने कपड़े डाल दिए, यहाँ से वन टाइम आप प्रेस करेंगी तो आपका वॉशिंग मशीन ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद जैसे यहाँ से आप स्टार्ट करेंगी, ये ऑन ऑफ की बटन है, ये स्टार्ट की बटन है, जैसे आप यहाँ पर स्टार्ट करेंगी तो बाई डिफ़ॉल्ट ही आपका नॉर्मल मोड पर चला जाएगा, डोर आपका प्रॉपर ये लॉक हो जाएगा। अब ये नॉर्मल पे जाने के बाद ये क्या है, ये आपका डिटेक्ट कर रहा है कि जो आपने कपड़े डाले हैं वो कपड़े कितने क्वांटिटी में हैं, उसके हिसाब से बाय डिफ़ॉल्ट ही वो सब कुछ सेट कर लेगा कि कितना कपड़ा है, कितना टाइम जाएगा, ये सब कुछ, ठीक है। अपने आप ही हो जाता है। हाँ, सब अपने आप हो जाएगा। अब जैसा ये तो नॉर्मल हो गया, बट इसके साथ इसमें कुछ आपके एडिशनल वॉच भी हैं जैसे प्रोग्राम, तो उसको आपको सिलेक्ट करने के लिए जैसे यहाँ से आप ऑन करोगे तो नॉर्मल है। एलर्जी केयर में जैसे किसी बीमार आदमी के कपड़े हैं, ज़्यादा बैक्टीरिया है, तबीयत ख़राब है, वो साइड के कपड़े हैं, तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो इसमें क्या होगा, आपका स्टीम का साइकिल रहेगा जिसमें कपड़े में आपके हीट एलिमेंट में पानी जाएगा और स्टीम जनरेट करेगा, तो जिससे 99% बैक्टीरिया जो है वो किल हो जाएंगे। उसके साथ साथ AI वॉश है। इसका क्या रहेगा कि जो कपड़े आप डालोगे आइडेंटिफाई करेगा, कपड़ा सॉफ्ट कपड़ा है, हार्ड कपड़ा है, इसके लिए कैसा वॉश करना है, सब ऑटोमेटिक इसको वो करेगा। इसके बाद तीसरा आपका ये है जेंटल। जेंटल में आपके पार्टी वेयर के कपड़े हो गए, ऊनी कपड़े हो गए, साड़ी हो गए, ये सारी चीज़ आपको इस पे करना है। इसके बटन दबाएंगे। हाँ, बटन यहाँ से दबा के यहाँ से आपको स्टार्ट कर देना, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है क्विक वॉश। क्विक वॉश में आपके 2 किलो कपड़े हैं, गंदे कपड़े हैं, आपको जल्दी चाहिए, यहाँ से आप प्रेस करें तो आपका क्विक वॉश आ जाएगा। इसमें फिर उतना टाइम में धुल जाएंगे? हाँ, 15 मिनट के अंदर समथिंग हो जाएगा। जो गंदे कम गंदे वाले जी। इसके बाद आपका आ जाएगा ये डाउनलोड साइकिल। डाउनलोड में कुछ और भी चीज़ें, जैसे इसमें इसका तो एक प्रोग्राम आपका है ही, इसके बाद भी आप इसको अगर वाईफाई से आप अगर इसको कनेक्ट करेंगे थिंक यू से, इसमें और जो प्रोग्राम नहीं है उसके अलावा भी आप इसमें बहुत सारे प्रोग्राम यूज़ कर सकते हैं जो इसमें दिया वो नहीं है, ठीक है। और इसका जो आपका इक्वा रिजर्व में क्या करेगा, आपका सिर्फ वॉश करेगा और रिंस करेगा, स्पिन नहीं करेगा, ठीक है। अब वॉश करेगा, स्पिन नहीं करेगा। हाँ, इसमें स्पिन और वॉश सब कुछ करेगा। अब इसके साथ साथ अगर इसमें भी आपको स्टीम चाहिए आपको, हाँ, तो यहाँ पे आप जैसे प्रेस करेंगे तो आपका ये इसमें भी स्टीम एक्टिवेट हो जाएगा। और इसके साथ हाँ, वो वॉशिंग के लिए गर्म पानी करेगा। बाकी अगर कपड़े को और भी अच्छा करना है तो इसमें आपका स्ट्रॉन्ग बेब एडिशनल है, तो ये बटन को जैसे 3 सेकंड आप प्रेस करोगे तो आपका ये
स्ट्रॉन्ग वेव भी एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब जैसे बहुत पावरफुल वॉश चाहिए तो, या इसको हम लोग बोल सकते हैं इंटेंसिव, अभी देर है ठीक है, यहाँ से प्रेस करेंगे तो आपका ये अनलॉक भी हो जाएगा, चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो बंद भी हो जाएगा। इसके साथ आपका एक इसमें टर्बो वॉश है, तो जैसे पर्टिकुलर नॉर्मल आपने सिलेक्ट किया, इसमें आपको टर्बो वॉश भी एक्टिवेट करना है, तो ये ऐसा 3 सेकंड आप इसको भी प्रेस करेंगे तो आपका ये टर्बो वॉश भी एक्टिवेट हो जाएगा। टर्बो वॉश कैसे? टर्बो वॉश में जैसे कपड़े को बहुत पावरफुल वॉश चाहिए होता है तो ज्यादा है तो फास्ट भी करेगा और वो भी करेगा, तो टर्बो वॉश आपका हो जाएगा। बाकी बाय डिफॉल्ट जैसे यहाँ से कोई प्रोग्राम आपने सिलेक्ट कर लिया है, सिलेक्ट करने के बाद बाय डिफॉल्ट तो जैसे इसमें आपका टाइम जो चीज़ें हैं आपका शो करेगा कितना है, इसके बाद भी इसमें आपको कुछ कम ज़्यादा करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से जैसे आपका वाटर बढ़ाना है, यहाँ से आप वाटर भी बढ़ा सकते हैं, वॉश का टाइम बढ़ाना है ये वॉश का टाइम भी आप बढ़ा सकते हो, कम करना हो तो कम भी हो जाएगा, रिंस का टाइम भी आप बढ़ा कितनी बार आपको टाइम देगा उस पे। हाँ हाँ, और स्पिन का भी आप ऐसे ही कर सकते हो, बाकी इसके स्पिन करने हो जाना कम करना है बार में तो कम करके कम करना है, बाकी स्पिन इसमें अपने आप करने पड़ते हैं ना। हाँ, नहीं बाय डिफॉल्ट तो करेगा, आपको करना है कुछ और भी बढ़ाना है तो भी आप कर सकते हो, नहीं करना तो फिर इसी में कर लीजिए। अब इसमें जैसे किया तो बाय डिफॉल्ट सब कुछ बता रहा है। इसके साथ आपको इसको अगर भिगा के भी रखना है कपड़े, जैसे इसमें आपको जो शो कर रहा है ये वॉश कर रहा है, रिंस कर रहा है और स्पिन कर रहा है, और आपको लगता है हमें कपड़े भिगा के भी रखने हैं, तो उसके लिए ये आपकी बटन दिख रही है ना, इस पर लिखा स्टॉक, तो ये वाली रिंस की बटन को ऐसा 3 सेकंड जैसे आप होल्ड करोगे ये आपका 30 मिनट का शॉकिंग एक्टिवेट हो जाएगा। नहीं चाहिए होगा तो एक बार आपको ये मैं बता दे रहा हूँ, बाकी तो जो आपका नॉर्मली चलेगा 45 मिनट करना है, 2 घंटे करना है, 3 घंटे और इसके बाद आपका ये 4 घंटे 5 घंटे नहीं, उसमें आपको कितना वो करना है, 1 घंटा वो तो 1 घंटे में ज्यादा होता है, धुल भी जाता है, पिघल भी जाता है, यही हो जाता है। अरे वो तो नॉर्मल में आपने पानी ले लिया, सरफ चला गया, कपड़े धुल गए, वॉश हो जाएंगे, वॉश होने बाद स्पिन भी हो जाएगा, नहीं कुछ नहीं करना। बाकी आपका ये वाईफाई से अगर ऑपरेट करना है तो इस बटन को ऐसे 3 सेकंड आप प्रेस करेंगे तो ये वाईफाई आपका ऑन हो जाएगा, जिसको आप फोन से जिस तरह से कनेक्ट करके आप अपने थिंक यू एप्लीकेशन से इसको ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। अभी अभी वाईफाई आप ये जैसा है इसका, आप यहाँ पे ऐड डिवाइस सर्च, ऑटो सर्च हो रहा है, सर्च हो रहा है, तो आपका भी इसमें शो हो जाएगा। पानी बंद कर दिया, पानी खोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, खोल दीजिए, तो इसमें आएगा नहीं पानी, अभी नहीं आएगा जब तक। तो कपड़े रास्ते बदलून हो और उसके बाद जैसे कनेक्ट वो कनेक्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका रिमोट स्टार्ट कर जैसे करेंगे तो इसका जो एक्सेस है वो फोन पे आ जाएगा, तुरंत चालू हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को मोस्टली सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलते